20 पीए है। ओ और दो चीज मौजूद है यहाँ, एक शंख फल्यासन कीजिए तो कुंदन जी। दोस्तों पहाड़ पर जाने के लिए रोपवे का टिकट यहां से कटता है और ये आप देख रहे हैं इतना सारा लोग लाइन में लगा हुआ है और भी लाइन आगे लंबा है। अभी हम लोग पता किए हैं कि अगर अभी टिकट कटा के लाइन में लगते हैं तो कितने देर में हमारा नंबर आएगा, तो एक घंटा बताया गया। क्या कीजिएगा कुंदन जी? हम तो कहेंगे चलिए पैदल ही चलते, तब तो वापस आ जाएंगे डेढ़ घंटे में, जब एक घंटा लगेगा तब से वापस आ जाएंगे। ये तो समस्या गंभीर हो गया। आज किसी कॉलेज का लगता है टूर वगैरह है, इसीलिए बहुत सारा स्टूडेंट है सब ना। एक घंटे में वैसे भी आएगा अपने लोग का नंबर, क्या पैदले चलिए। अगर नहीं होता ना ऊपर से नीचे आने का टिकट कहाँ कटता है, यहीं कटता है, तो ले लीजिए ऊपर से, तब आ जाएंगे। ऊपर से नीचा आना तो हमको नहीं लगता है कोई समस्या है, ऊपर चढ़ेंगे उसमें तो परेशान होंगे, नीचे तो आराम से आ जाएंगे। और उसमें भी रोपवे में इतना भीड़ है, पैदल जाएं कि क्या जाएं, अजीब समस्या में है दोस्तों। क्या किया जाए, पैदल निकला जाए? रोपवे का भी टिकट लेते हैं तो एक घंटे बोला गया है कि एक घंटे बाद हमारा नंबर आएगा, और पैदल में पता चला कि डेढ़ दो घंटे में हम लोग चढ़ के फिर वापस उतर सकते हैं। देखते हैं, निर्णय लेते हैं क्या करना है। सोच विचार के बाद हमने पैदल ही पर्वत पर चढ़ने का निर्णय लिया, और कहा भी तो जाता है कि अगर आपको कुछ देखना है तो धीमे चलना होगा, तो चलिए मंदार को देखते हैं। बहुत दूर तक लगता है अपना लोग आ गए हैं ना, हालांकि ऊपर से तो जितना आदमी आ रहा है किसी से भी पूछ रहे हैं तो बोल रहा है, कोई बता रहा है कि एक घंटा लगेगा, कोई आधा घंटा। कुंदन जी हमको कह रहे हैं कि आप थक रहे हैं, और हम कुंदन जी को कह रहे हैं कि आप थक रहे हैं। हम शरीर से थक रहे हैं, आप मन से थक रहे हैं। ना ना, मन से थक रहे हैं ना शरीर से। आप तो शरीर से क्या कीजिएगा, तोंद बना दिए हैं, तोंद वाले आदमी हम तो, देखिए कहीं तोंद भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मन है ना भाई, तो मन मेरे पास भी है। चलिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चलिए चलिए, यहाँ से एकदम सीधी तीखी चढ़ाई है। कुंदन जी बोले कि अब आपका दम निकलेगा। दम नहीं निकलने देंगे कुंदन बाबू, आ रहे हैं। यूं तो पहाड़ की ऊंचाई लगभग 750 फीट है, लेकिन जब आप सीढ़ियों से जाते हैं तो सीढ़ियां घुमाकर बनाई गई हैं, तो आपको लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। सीताकुंड हो गया ये आपका? सीताकुंड हुआ। और ये नरसिंह भगवान का गुफा है, और इधर जो है आकाशगंगा है। दोस्तों ये सीताकुंड है, और यहाँ से पहाड़ पे दो तरफ जाने का रास्ता बट गया है। एक इधर से रास्ता है जो पहाड़ के उधर टॉप पे जाता है, वहाँ पे जैन मंदिर है जैसा कि अभी हम पूछे तो बताया गया, और साथ ही एक इधर से रास्ता हो जाता है, इधर जाने पे नरसिंह गुफा है, और भी कुछ मंदिर इसी रास्ते पे हैं, तो हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, और यही रास्ता आगे जाके उस रास्ते में निकल जाएगा और हम लोग टॉप पर भी जा पाएंगे। आइए कुंदन भाई। ओ कुंदन जी, सेल्फी किंग। कुंदन जी सेल्फी लेने में मशगूल हैं। आइए जी। हाँ, अब इसको आप कमर में बांध लीजिए, ठीक है, तो भारी नहीं लगेगा, गर्मी भी नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुंदन जी भी क्या सोच रहे होंगे, सुदर्शन जी हमको अनावश्यक कष्ट देते रहते हैं, कभी जैकेट थमा देते हैं, कभी ट्राइपॉड थमा देते हैं, कोई बात नहीं ना हो? कोई बात नहीं भाई, इसी तरह होता है बस। कुंदन जी का बहुत सहयोग रहता है मेरे संग, इनके सहयोग के बिना मेरा वीडियो बन नहीं पाएगा। धन्यवाद कुंदन जी को, रख दीजिए। दोस्तों यही हुआ नरसिंह गुफा, एक बाबा जी आए हैं हम लोगों को दिखाने के लिए यहाँ। फल्यासन कीजिए तो कुंदन जी।
आइए आइए। हाँ बाबा जी, ये बीच में जो है ये नरसिंह भगवान है। हाँ नरसिंह भगवान, वो बीच में नरसिंह भगवान है और उनके गोद पे हिरण्यकश्यपु लेटा हुआ है, वो उनका सीना फाड़ रहे हैं, है ना। इधर बगल में इस साइड जो ये साइड में दुर्गा माता है, उनके बगल में वो जय जय नाम है उनका, जय विजय जो दोनों द्वारपाल थे विष्णु भगवान का, वो अगल बगल में है। अच्छा, और सबसे साइड में उधर सबसे साइड में राम सीता है। अच्छा, लाल कपड़े में, लाल कपड़े में ही राम सीता है। ये पहले से ही बना हुआ इसी हाँ सब कुछ, ये जो भी कुछ देख रहे हैं ये सब पूर्व से ही है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये नरसिंह गुफा के अंदर नरसिंह भगवान की प्रतिमा है, कपड़े से ढकी हुई है। कपड़े से क्यों ढकी गई है? विष्णु भगवान का जो भी मूर्तियां आपको मिलेंगी वो वस्त्र में ही मिलेंगे। वहाँ नीचे नरसिंह गुफा है, वहाँ हम लोग अभी थे। उसके बाद उसके बगल में यहाँ थोड़ा ऊपर एक और गुफा है आकाशगंगा, और इस गुफा के अंदर पानी भी है। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इस गुफा का क्या इतिहास है। इस गुफा का नाम बाबा ने आकाशगंगा गुफा बताया है, आकाशगंगा ही बताया गया है वो। हाँ। बाबा जी आते हैं तो पूछते हैं। इसका नाम आकाशगंगा है जी। इसमें घुसने का तो दरवाज़ा दिखाई देता है, लेकिन इसका अंत कहाँ है ये आज तक किसी को पता नहीं है जी। इसका ऐसे हम लोग इसको आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। कुछ आदमी का कहना है शायद गंगा से इसका लगाव है, इसका अंतिम बिंदु गंगा में ही मिलती है, इसलिए कि इसका नाम आकाश गंगा है। और गंगा की उत्पत्ति नारायण के चरण से हुई है, इसका प्रत्यक्ष नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। नारायण की प्रतिमा दोनों तरफ है और बीच में ही गंगा है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, विष्णु भगवान की मूर्ति पहाड़ पे उकेरी गई है, बनाई हुई है। इस साइड भी है, दोनों साइड गुफा में, दोनों साइड गुफा के दीवार पे भगवान विष्णु की मूर्ति है। मधु और कैटभ दो राक्षस थे, उनका वध विष्णु भगवान ने किया था, जिसमें मधु नामक जो राक्षस था उसका वध इसी पहाड़ पे किया गया था, और इस पहाड़ के तलहटी में उसका शव है। और यहाँ मधु राक्षस का ही ये आप देख सकते हैं प्रतिमा है, चेहरा बनाया हुआ है। आकाश गंगा गुफा से थोड़ी दूर आने के बाद यहाँ बजरंगबली का एक मंदिर है। रोपवे से आते तो कुंदन जी क्या मिल जाता ये सब? रोपवे से तो नहीं मिलता। ये है पैदल चढ़ने का सुफल फायदा। रोपवे से आते तो इस सब जगह फिर पैदल आ सकते थे, वैसे पैदल जाने में ही अच्छा है। सारी जगहों को देखते हुए जा रहे हैं, रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। हो हम दोनों आदमी इस वक्त पर्वत के सबसे ऊंचे स्थान पे टॉप पे पहुंच चुके हैं, और यहीं टॉप पे जैन मंदिर है। क्या कुंदन जी आइए बोलिए, कैसा रहा आने का सफ़र टॉप तक? एकदम बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़े में रहा। ठीक है, तकलीफ तो आपको हुई है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, पेट वेट घटाइए। इस हमको तो बहुत दिक्कत हो रही है, चावल भात खाएंगे तो फिर से बढ़ेगा, इसलिए कहते हैं रोटी खाया। हमको तो बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ। जाते समय कुछ हेल्प कीजिए आप, हमको गोद में ले चलिए। कुंदन जी हमको ले जाएंगे गोद में।
ये वासुपुज भगवान के मूल वेदी हैं, भगवान यहीं से मोक्ष गए। वासुपुज भगवान के ये पद चिन्ह जी हाँ जी। पहले के जो तीन चरण हैं वो तीनों कल्याणक जो कि पूरे भारतवर्ष में जैन समाज का एक पहचान बना हुआ है कि भगवान वासुपुज जो है मंदारगिरी पर्वत से ही मोक्ष गए, तो वो ये स्थान है। दोस्तों इस वक्त हम मंदिर के गर्भगृह में हैं और इस मंदिर के बारे में यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात कर रहे हैं और इस तीन मूर्ति के बारे में भी आप ये बीच में वासुपुज भगवान हैं जो लाल वर्ण के हैं जी। और भगवान मूल वेदी में वासुपुज के दाहिने साइड ऋषभदेव यानी आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ हैं और बगल में शांतिनाथ भगवान हैं, तो तीन तीर्थंकर इसमें विराजमान हैं, लेकिन भगवान वासुपुज के ही यहाँ पे मूल हैं। ये किनकी प्रतिमा हुई? ये जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर हुए, वासुपुज इनका नाम है। उनके यहाँ से तीन कल्याणक हुए, तप, केवल ज्ञान और निर्वाण, तीन जगह मूल चरण है जो भगवान के मोक्ष कल्याणक के, केवल ज्ञान और तप के। ये महाराज आचार्य भरत सागर जी महाराज 4 जून 1996 को ये प्रतिमा को विराजमान किए। ऊपर में भी इनके एक समूह शरण विराजमान हैं जो आचार्य परमान सागर जी महाराज के द्वारा विराजमान किया गया है। ये वासुपुज भगवान हैं। वासुपुज भगवान यहाँ पे तप वगैरह किए थे क्या? जी हाँ, वे यहाँ से उनके तीन कल्याणक हो गए, यहीं से वो भगवान मोक्ष भी गए। यहाँ उन्होंने तपस्या की शिला के नीचे जो आज भी पदचिन्ह है, फिर उनको केवल ज्ञान कल्याणक एक बाजू में मंदिर हैं, वहाँ पे उनके तीन जोड़ी चरण हैं जो कि बीच में भगवान के हैं और अगल बगल मुनियों के चरण हैं, और ये मूल जो है भगवान वासुपुज के मोक्ष स्थान है जो कि भगवान यहीं से मोक्ष को गए। तो तीन जगह ये हो गए चरण पादुका, और दो जगह ऊपर और नीचे जो है मूल वेदी हैं जो भगवान 5 जगह दर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। जैन मंदिर से सटे हुए बगल में ही यहाँ आप एक गुफा देख पा रहे होंगे, ये वो गुफा है, यही तपस्थली है तीर्थंकर की, जैन तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य की पवित्र तपस्थली। अब तक शाम हो चुकी थी और हमने पहाड़ से नीचे उतरने का निर्णय किया। पहाड़ से नीचे उतरते समय मध्य पहाड़ पर हमें शंख कुंड मिला। ये शंख का आकार हुआ। हाँ, इसकी इसी के अंदर इसी सामने इसी जगह है पहाड़ के भीतर में, ये 50 फीट अंदर है। ये दोस्तों ये शंख कुंड है। हाँ, ये हालांकि लंबाई चौड़ाई तो छोटी है लेकिन गहराई ये 50 फीट नीचे गहरा है, एकदम 50 फीट है, और इसी के अंदर शंख है, महाशंख। उसी शंख से बाबा शंकर भगवान हलाहल पान किए थे। बीस पिए हैं। और दो चीज मौजूद है यहाँ, एक शंख कामधेनु गाय। हाँ, वो भी नीचे है, वो सील हुआ है, उसका कौन सी मूर्ति है। हाँ, शंख कुंड के बाद हमें तलाश थी समुद्र मंथन के सबसे बड़े सबूत की। पर्वत पर थोड़ा और नीचे उतरने पर हम उस जगह भी पहुँच गए। जैसा कि वीडियो में आप लोग जान चुके हैं, इस पर्वत से समुद्र मंथन किया गया था और समुद्र मंथन के लिए वासुकी सांप को पर्वत में लपेटा गया था। यहाँ आप कुंदन जी जरा दिखाइए, तो इशारा दीजिए तो हाथ से। ये एक ये है, ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये सीधा आगे तक गया उधर भी और अंधेरा की वजह से पूरा नहीं दिख रहा है। दूसरा देखिए, ये जा रहा है। तो ये जो निशान आपने देखा अभी, तो वासुकी सांप को लपेटा गया था पूरे पर्वत में समुद्र मंथन के लिए, तो उसी का ये निशान है। एक बार नापिए तो हो कितना बीतता है। बीतता नापना? हाँ, बीते से नापिए कितना है। ओ, इसको नहीं, इसका नापिए ने गड्ढा दो बीत है ना। दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। शाम हो चुकी है और जितने भी आदमी पर्यटक आए थे इस पहाड़ पे, अधिकांश नीचे जा चुके हैं। हम लोगों को भी यहाँ से भागलपुर और फिर भागलपुर से सहरसा जाना है,
देखते हैं गाड़ी मिलती है या क्या सीन होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट करके अवश्य बताएँ। धन्यवाद।